तो आइए चलिए शुरू करते हैं हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट जॉन बॉस्को ब्लॉग का पार्ट टू। जिन्होंने पार्ट वन देखा उन सभी को धन्यवाद, और जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट टू को समझने के लिए पार्ट वन वाला वीडियो जरूर देख ले, धन्यवाद। तो रेड हाउस का स्टैम्प को हिट करने का, बॉल से हिट करने का गेम खेलने के बाद, जीतने के बाद कोशिश की, फिर हम आगे बढ़ के देखते आगे कौन सा खेला है रेड हाउस का। कहाँ है यहाँ के गेम खिलाने वाला आदमी? गेम खिलाने वाला कहाँ है? गेम का रूल समझाओ। ठीक है, आपको 30 सेकंड्स के लिए हाथ के साथ बैलेंस करना मिलेगा। सिर पर बोतल को, सिर पर बैलेंस करना पड़ेगा बोतल को, फुल बोतल को। हाँ, 30 सेकंड्स के लिए आपको हाथ के साथ बैलेंस करने मिलेगा, और जैसे ही बैलेंस हो जाए आपको और 30 सेकंड्स के लिए बैलेंस करना पड़ेगा बोतल को बिना हाथ के साथ। अच्छा चलो, समझ गए कौशिकी, रूल समझ गए। इसके लिए कौशिकी के लिए और अनन्या के लिए, दोनों 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 दोनों। हाँ ट्रायल करो, देखो पढ़ रही है कौशिकी, रूल समझ रही है। आप वीडियो बना रही है, यूट्यूब पे डालेंगे? हाँ बाद में। आपका नाम क्या है? भीमसेन आचार्य। क्या है? भीमसेन आचार्य। थुलुंगा के भैया हो क्या? हाँ। चलो 10 रुपए। तो जैसे कौशिकी का स्कूल का सीनियर भैया ने बताया कि एक चांस का 10 रुपया, तो मैं 3 लड़की को खिलाऊंगी यहाँ पे, कौशिकी और उसके 2 फ्रेंड। तो ये कौशिकी बहुत ट्राई कर रही है, ट्रायल है उसका, अभी अंदर जाके उसका वो वाला होगा, रियल वाला होगा शायद, देखते हैं कौशिकी क्या करती है। रख दिया उसने सर पे, ये ट्रायल ही है उसका, सर पे रख दिया हाथ के साथ पकड़ के। अभी हाथ छोड़ना पड़ेगा उसको, छोड़ के देखना पड़ेगा, एक सेकंड भी नहीं रहा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है सर पे बोतल को, पानी फुल वाला बोतल को बैलेंस करना। तो 2 साल इन लोगों ने बहुत मिस किया ये सब गेम को, क्योंकि कोविड के चलते तो ये सब पॉसिबल नहीं था, 2 साल इन लोगों का कोई गेम नहीं हुआ। तो 2 साल के बाद आज स्कूल में ये सब करके उन लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, बच्चों को, सारे बच्चों को अपनी अपनी जगह में खेल रहे हैं सब लोग। कौशिकी का गिर गया, नहीं हुआ तो उसका एक चांस गया, 10 रुपया गया, अभी वापस से शायद उसको मिलेगा, वो ट्रायल था तो ये अभी रियल वाला मिलेगा उसको। हाँ तो कौशिकी खेल रही है उसको पहले हाथ से तो अच्छे से रखा, बिना हाथ के गिर गया, उससे नहीं हुआ। अभी बारी है अनन्या की, अनन्या भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, बेचारी कर रही है, हाथ तो छोड़ ही दिया उसने, 1 मिनट तो उसको रहने को लगा, पकड़ के रहने को मिलता, लेकिन उसने छोड़ दिया। तो अभी वो पकड़ के उसका बैलेंस कर रही है, अभी वो छोड़ेगी, 1 2 3, अनन्या छोड़ो, हाथ हटाओ और फिर बैलेंस करके रखो। तो उसका देखते हैं अनन्या का आगे क्या होता है, वो कर पाएगी शायद, रख पाएगी, 1 2 3 नहीं हुआ। तो एक और दोस्त आएगी कौशिकी की, वो भी ट्राई करेगी, अनन्या फिर से कर रही है, अच्छा उसने भी 2 बार का चांस ले लिया, 20 रुपया, मतलब मेरे कौशिकी ने 20 रुपया और अनन्या का 20 रुपया गया। एक और दोस्त आएगी, इन सबका पैसा मुझे ही देना पड़ेगा, ये मेरे पीछे पीछे है तीनों, तो ये भी कोशिश करेगी, इसको भी देखते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान से खेलती है, लेकिन जो भी हो उसने बोतल को हाथ से अच्छे से पकड़ के सर पे लगा लिया है, अभी वो छोड़ेगी, देखते हैं उसका क्या होगा, ये रख पाएगी शायद, देखते हैं। एंजॉय बहुत कर रहे हैं बच्चे, खेला में मिले या ना मिले वो अलग बात है, मिलना ज़रूरी नहीं है, एंजॉय करना ज़रूरी है, मस्ती करना ज़रूरी है दोस्तों के साथ। तो ये देखिए ये पकड़ रही है, हाथ से ज़्यादा समय पकड़ ली इन लोगों ने, जितना टाइम दिया था उससे ज़्यादा समय हाथ से पकड़ लिया, उससे भी नहीं हुआ, तो हम लोग अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। कौशिकी फिर से ट्राई कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी, उसका नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं एकदम कर पाऊँगी, मैं रख पाऊँगी, बैलेंस कर पाऊँगी, वो पहले भी नहीं हुआ, उसने पहले भी कोविड से पहले भी उसने बहुत सारे गेम्स खेले थे, उन सब का भी वीडियो है, मैं बाद में कहाँ है पता नहीं है, ढूंढ के मैं उसका भी बनाऊँगी। तो कौशिकी ने बहुत कोशिश किया, उसको एक चांस एक्स्ट्रा भी दे दिया शायद सीनियर भैया लोगों ने कौशिकी को, लेकिन उससे नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा हाउस है। अभी हो गया आपका येलो हाउस और रेड हाउस, अभी ये कौन सा है बाबा? ग्रीन, ये कौन सा हाउस है? ब्लू, खेलो ये भी ग्रीन हाउस खेल लो, ये वाला के ब्लू ग्रीन हाउस का ये क्या स्टॉल लगा हुआ है इन लोगों ने, पानी पूरी का है ना,
हम खाने के बिल्कुल लायक नहीं है, अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। ग्रीन हाउस का नहीं खेलोगे कहाँ पे? ओह अच्छा, ग्रीन हाउस का गेम है। चलो आप खेलो। तो ये ग्लास सफल गेम है। तो ये ग्रीन हाउस के टीचर हैं, सर हैं, वो समझा रहे हैं इन लोगों को, बच्चों को गेम समझा रहे हैं कि कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, पूरा ध्यान दे के ये लोग समझ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान रखो बाबा, ध्यान रखो। फिर से खेलो। अच्छा, आप सब ये गेम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, सर से एक गलती हो गया, उन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती से हो गया कि उन्होंने सफल करने से, ग्लास को सफल करने से पहले उन्होंने कौशिकी को दिखाया ही नहीं। ये देखिए, एक बार उन्होंने खुद देख लिया और फिर ग्लास नीचे ले गए, फिर ग्लास ऊपर ले आएंगे, फिर कौशिकी को शो ही नहीं करेंगे कि कौन सा उसमें क्या बोलते हैं नंबर लिखा हुआ है, कौन सा ग्लास में नंबर लिखा हुआ है, वो शो करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट वो सफल करने लग जाते हैं। बेचारी कौशिकी तभी कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि ये गेम में तो वो एक्सपर्ट है, वो हम लोग माँ बेटी घर में भी खेलते रहते हैं। उन्होंने जब सफल किया, उसके पहले उनको नंबर दिखाना चाहिए था, उन्होंने दिखाया नहीं, इसलिए कौशिकी इस गेम को हार जाती है। फिर भी कोई बात नहीं, एंजॉय किया उसने। ये वीडियो देखने के बाद तो सर को भी पता चलेगा उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, जानबूझ के नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया उनसे भी। तो ये रहा। तो ऐसे गेम हार करके कौशिकी अब आगे बढ़ेगी दूसरा गेम खेलने के लिए, शायद ग्रीन हाउस का लास्ट गेम होगा अभी आगे। तो आते आते हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रीन हाउस का लास्ट वाला गेम में। इसके आगे ग्रीन हाउस का गेम नहीं है, खत्म हो गया है, फिर आएगा ब्लू हाउस। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रूल है गेम का। चलो गेम का रूल समझा दो उसको। 20 रुपीस फोर शॉट्स, 10 रुपीस टू शॉट्स, गेट प्राइजेस। अच्छा, किसको हिट करना है, वहाँ पे अंदर घुसाना है, कोर्ट के अंदर। अच्छा ठीक है, चलो कोशिश की दे दो, 20 रुपीस दे दो। अब कौशिकी को मिल गए हैं चार बॉल, वो चार बॉल मारेगी वहाँ पे, मारेगी मतलब वो पॉट में घुसाना है उसको। और उसने एम किया, मारा, बहुत उसने एम किया, वो थक भी गई है, उधर खा के पेट भी ज्यादा फुल हो गया उसका। कर रहे है लेकिन, कोशिश कर रहे है लेकिन वो कर नहीं पाएगी। उसका एम इधर उधर हिल गया, उसके चारों बॉल खत्म हो चुके हैं अभी। तो ऐसे करके यहाँ भी हार के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे कौन सा गेम मिलेगा, ब्लू हाउस ने कौन सा गेम सजा रखा है। आइए, येलो हाउस का खेल लिया, रेड हाउस का खेल लिया, ब्लू हाउस का, ग्रीन हाउस का खेला, अभी लास्ट ब्लू हाउस बाकी है। देखते हैं ब्लू हाउस में क्या क्या गेम है। ज्यादा गेम मुझे ब्लू हाउस में ही लग रहा है, क्योंकि सब सुबह से वहीं पे ज्यादा गैदरिंग है। येलो हाउस में क्या, हाँ खाने में ज्यादा गैदरिंग है वहाँ पे। अच्छा, गेम का रूल समझो बाबा, इधर से जाओ, ये लो पैसा ले जाओ, ले जाओ, जो भी खेलना है खेलो, जाओ। ये वाला खेलोगी बाबा, ये वाला खेलोगी, ध्यान से खेलना ठीक है। चलो गेम का रूल समझ लिया, चलो आपकी बारी कब आ गई। क्यू में लगो, क्यू में बाबा, क्यू में लगो।
के बाद ध्यान से नीचे बाबा नीचे है एम करके नहीं हुआ कोई बात नहीं कोई बात नहीं खेला ना मजा आया ना और और खेला नहीं है सब खेला खत्म हाँ सब खेला खत्म अच्छा और इधर इधर क्या है वहाँ पे फोटो क्लिक कर लेते हैं वो उसमें फोटो जोन में सेल्फी जोन में फोटो उठने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा चलो उन लोग को भी दे देते हैं 10 रुपया। तो ये ब्लू हाउस की बच्चियों ने जो आइडिया निकाला है मतलब कि सेल्फी जोन बनाने का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी मम्मियां जितने भी बच्चे हैं सारे मम्मियों को अपने बच्चे का फोटो क्लिक करना ऐसे अच्छा लगता है तो सब लोग 10 रुपया दे करके वो लोग मदद भी कर रहे हैं जब बच्चे बैठते हैं तो वो उसको फोटो जिसमें फोटो खींचना है उसको सुंदर से सजा देते हैं। ये देखिए कौशिक ने 10 रुपये दे दिया उनकी दीदी को अभी वो जाके फोटो क्लिक कराएगी बैठेगी तो दीदी ने पकड़ दिया सुंदर से अब मैं फोटो भी क्लिक करूंगी वीडियो भी करूंगी फिर पीछे जाएगी पीछे जाकर के भी बैठेगी और वहां पे भी वो फोटो क्लिक करवाएगी अपना और बहुत ये आइडिया मुझे बहुत यूनिक लगा अच्छा लगा और ऐसे भी उन लोग का कलेक्शन हो गया और वो लोग अभी डोनेट कर पाएंगे नीडी पीपल को बच्चों को और देखो कितना अच्छे से कर दिया है उन लोगों ने तो अच्छा लगा ये वाला आइडिया भी मुझे अच्छा लगा और ऐसे करके ये फीस्ट हमने एंजॉय किया सब कुछ खेला कुछ में जीती कौशिकी कुछ में हारी लेकिन उसने एंजॉय बहुत किया। अभी लास्ट में वहाँ पे फील्ड का बीचों बीच में सेंट जॉन का मूर्ति रखा हुआ है वो वहाँ जाएगी और स्टैचू को मूर्ति को नमो करेगी प्रार्थना करेगी फूल चढ़ा करके तो वहाँ जा करके फूल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग घर जाएंगे हमारा सब यहाँ पे एंजॉय करना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्लावर तो खत्म हो चुके हैं ट्रे में फ्लावर नहीं है जितना बचा है उतने से ही अभी कौशिकी को प्रार्थना करना पड़ेगा हाथ जोड़ के ध्यान से तो वह अभी सेंट जॉन को थोड़ा फ्लावर चढ़ा के प्रार्थना करेगी आशीर्वाद लेगी और फिर उसके बाद में वो थोड़ा फोटो के लिए मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगी और वो फोटो क्लिक करवाएगी एक दो फिर फोटो क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो हमारा यही था ब्लॉग सेंट जॉन का फीस्ट एंजॉय करने का ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद थैंक यू सो मच।